पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज प्रेम संदेश का प्रसंग लिया है। ऐसा संदेश जो प्रेम पूर्वक भेजा गया है, प्रेम संदेश, ऐसा संदेश जो प्रेम की बत्तियों से ही भरा हुआ है, प्रेम संदेश, ऐसा संदेश जिससे परमात्मा के हृदय में भी प्रेम उमड़े हमारे प्रति, प्रेम संदेश। कई सारे अर्थ साधकों प्रेम संदेश के लिए जा सकते हैं। प्रेम से ओतप्रोत संदेश स्वामी जी महाराज ने परमात्मा के श्री चरणों में भेजा है। मैसेज, संदेश अर्थात मैसेज। भक्त उदासी का संदेश भी भेजते हैं, भक्त असमर्थता का संदेश भी भेजते हैं, भक्त उलाहनों का संदेश भी भेजते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के संदेश एक प्रेमी भक्त परमात्मा को भेज सकता है। स्वामी जी महाराज ने प्रेम संदेश चुना है। ऐसा संदेश जो प्रेम पूर्वक भेजा गया है, ऐसा संदेश जो प्रेम से परिपूरित है, ऐसा संदेश जो प्रेम से ओतप्रोत है। हमारी तरह के संदेश नहीं है जो हम भेजते हैं। हमारे संदेश प्रायः स्वार्थपूर्ण संदेश होते हैं। स्वामी जी महाराज के सारे संदेश निस्वार्थ संदेश हैं। पत्रों की बात लिखी है स्वामी जी महाराज ने, उनकी बातों पर पूर्ण क्या विश्वास करते हैं हम। प्रेम पत्तियां प्रेम पूर्वक लिखे गए पत्र परमात्मा पढ़ते हैं। स्वामी जी महाराज की आज की चर्चा से यही निष्कर्ष निकलता है, प्रेम पत्र जो साधक लिखता है मन ही मन, इन पत्रों को लिखने के लिए कोई कागज नहीं चाहिए, कोई स्याही कोई पेन नहीं चाहिए। आंसू की वाणी समझते हैं, आंसू की भाषा परमात्मा समझते हैं, और भक्त सारे के सारे पत्र आंसुओं से ही लिखता है। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, परमात्मा इन पत्रों को रिसीव करता है, उनकी बातों पर पूर्ण क्या विश्वास कीजिएगा। हमारा हर प्रेम पत्र परमात्मा के श्री चरणों में पहुंचता है। परमात्मा हर प्रेम पत्र पढ़ता है। मानो कोई परमात्मा ने ऐसा डस्टबिन अपने पास रख रखा होगा जहां स्वार्थपूर्ण पत्र आते हैं फेंक देता है। पत्र देखने से ही पत्र की भाषा भांपने वाला परमात्मा क्या करता है, प्रेम के पत्र तो खोलता है, पढ़ लेता है, लेकिन स्वार्थ के पत्र बू आ जाती होगी कोई, ये स्वार्थ भरा पत्र है, अतएव ऐसे पत्रों को बिना खोले डस्टबिन में डालता रहता है। स्वामी जी महाराज ने यही कहा है ना कि जो प्रेम के पत्र हैं वह परमात्मा रिसीव भी करता है और वह परमात्मा पढ़ता भी है। स्वार्थ वाले पत्रों की कोई चर्चा नहीं की, स्पष्ट है परमात्मा के पास पहुंचते भी तो होंगे ही जरूर, लेकिन सुंघने से पता लग जाता होगा, देखने से पता लग जाता होगा कि इसमें कैसी भाषा लिखी हुई है। अतएव उन पत्रों को परमात्मा डस्टबिन में डाल देता है। आप मारते रहो टकरे, परमात्मा नहीं सुनता। प्रारब्ध पर निर्भर रहो, जो मैंने लिख दिया अटल है। हाँ, कुछ मेरे से बदलवाना चाहते हो, पुरुषार्थ करो,
मेहनत करो, लगन से करो, भजन पाठ करो, मुझे अपने अनुकूल बनाओ। मैं दीज गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ आपको करना होगा, आपको अपनी प्रारब्ध बलवाने के लिए तर्प पैदा करनी होगी। जैसे भक्ति प्राप्त करने के लिए यदि तर्प है और तद्रूप पुरुषार्थ है तो भक्ति परमात्मा के दरबार से मिलती है, बच्चों का खेल नहीं है। ऐसी जगह जगह से भक्ति मांगते फिरने से भक्ति नहीं मिलती, भक्ति परमात्मा के पास है और परमात्मा देता है, भरपूर देता है। कहता है अपने अंदर पहले भक्ति प्राप्ति की तर्प पैदा करो, मुक्ति प्राप्ति की तर्प पैदा करो और उसके अनुसार साधना करो, जिसे वे पुरुषार्थ कहते हैं, तो मैं माला माल कर दूंगा आपको। हम भी पत्र लिखते हैं, हम कैसे पत्र लिखते हैं? मेरा पुत्र कुसंगति में पड़ गया है, मार्गदर्शन कीजिएगा। मेरे घर वाले मेरे कहे अनुसार नहीं चलते, मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। घर वालों के साथ मेरी बनती नहीं है, मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। मेरे घर में पैसे का बहुत अभाव है, मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। मेरे ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज चढ़ गया है, कैसे उतारूं? लोग आते हैं, आके बेइज्जत करते हैं, आके मांगते हैं, मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। ये परमात्मा को पत्र लिखे जा रहे हैं, ये परमात्मा को संदेश भेजे जा रहे हैं, स्वामी जी महाराज की धारणाओं के बिल्कुल विपरीत। मेरे घर पुत्र कोई नहीं है, पड़ोसन के घर दो दो पुत्र घूमते हैं, मेरे घर पुत्र कोई नहीं है, मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। मेरी पुत्री मंगलिक है, उसका विवाह रुका हुआ है, मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। मेरी पुत्री का विवाह रुका हुआ है अन्य कारणों से, बात बनती बनती रुक जाती है, बिगड़ जाती है, मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। शेमफुल, पर क्या करें, इन उलझनों से निकलना कोई आसान है? इसलिए यह कहना होगा, क्या भक्ति करनी आसान है? क्या भक्ति की प्राप्ति आसान है? अपने शरीर की समस्याएं, अपने शरीर प्रति समस्याएं, अपनों की समस्याएं हैं, उनके प्रति समस्याएं, इन्हीं में सारा जीवन खप खप के मर जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये जीवन मिला हुआ है बर्बाद हो जाता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। स्वामी जी महाराज आज पत्र लिख रहे हैं भगवान के श्री चरणों में, प्रेम संदेश, पत्र वाहक, पत्र के माध्यम से संदेश स्वामी जी महाराज भेज रहे हैं। बिना तार के तार चलती है, स्वामी जी महाराज ने लिखा है, पर पत्र हमारी भाषा में आसानी से समझ आने वाली बात है, इसलिए स्वामी जी महाराज ने ये लिखा। पत्र वाहक है, परमेश्वर के दरबार में हमारा संदेश पहुंचाने वाला। तो आइए साक्षर लिखते हैं पत्र परमात्मा के श्री चरण में। आज स्वामी जी महाराज ने अनेक सारी बातें अपने पत्र में लिखी, काश हम स्वामी जी महाराज जैसे पत्र लिख सकते हैं, हमें ऐसे सुंदर पत्र, ऐसे प्रेम भरे पत्र, स्नेहसिक्त वाणी से, स्नेहसिक्त शब्दों से भरे हुए पत्र हमें लिखने आते तो हमें जरूर, हम जरूर लिखते हैं, हमें लिखने नहीं आते हैं। आई साधक्ष मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मेरी माता सज्जनों मैं अपने रोने रोता हूँ परमात्मा के आगे। आज मेरे जैसा एक शिष्य रामकृष्ण परमहंस के पास बैठा हुआ है, रामकृष्ण परमहंस दो चार शिष्य और बैठे हुए हैं, अनुयायी बैठे हुए हैं, उन्हें उपदेश दे रहे हैं। लोग न जाने इधर उधर क्यों भटकते हैं, वह रोम रोम में रमने वाला परमात्मा जिसमें सब रमते हैं वह राम, जो सब में रमता है वह राम, वह रोम रोम में रमने वाला परमात्मा सबके भीतर विराजमान है। न जाने लोग इधर उधर क्यों भटकते हैं, भीतर की ओर क्यों नहीं मुड़ते, वह तो भीतर बैठा हुआ है, सब सुखदाता अपने अंदर बैठा हुआ है, सारे आनंदों का दाता अंदर बैठा हुआ है,
फिर हम बाहर इधर उधर टकरे क्यों मारते हैं? स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों से चर्चा कर रहे हैं। इतनी ही जरूरत है ना अप्रोचिंग लविंग, उसे प्रेम पूर्वक अप्रोच करने की जरूरत है। वह प्रेम की भाषा ही जानता है, वह प्रेम की भाषा ही समझता है। संसार जब स्वार्थ की भाषा बोलता है तो वह परमात्मा समझता नहीं है, भोला बन जाता है, अनजान बन जाता है। मुझे भाई ये भाषा समझ नहीं आती, मैं एक ही भाषा समझता हूं, वह है प्रेम की भाषा, वह भक्ति की भाषा, आंसू की भाषा। ये भाषा मेरी समझ में आती है, आप जो भाषा बोलते हो मैं वह समझता नहीं हूं, इसलिए मेरी और आपकी बनती नहीं। क्यों? जो आप कहना चाहते हो मैं सुनने के योग्य नहीं हूं, मुझे मेरे अंदर तो योग्यता ही नहीं है कि मैं उस भाषा को सुन सकूं। मेरी और आपकी, संसारियों को कहते हैं परमात्मा, मेरी और आपकी इसलिए बनती नहीं। संतों के संग है मेरा लेना देना, उनका व्यापार उनके साथ है मेरा व्यापार, उनकी भाषा मैं समझता हूं। वह क्या भाषा कहते हैं, वह निस्वार्थ भाषा बोलते हैं, उनकी भाषा मैं समझता हूं और वह मेरी भाषा समझते हैं, इसलिए मेरी उन भक्तों के साथ ही बनती है, मेरा लेन देन उन भक्तों के साथ ही है। प्रेम पूर्वक परमात्मा को अप्रोच करो। व्यक्ति कहता है ठाकुर आप कहते हो प्रेम पूर्वक परमात्मा को अप्रोच करो, आप कहते हो भक्ति पूर्वक परमात्मा को अप्रोच करो, आप कहते हो अपने आप को परमात्मा को समर्पित करता हूं, मेरी दुविधा है, मुझे प्रेम करना नहीं आता। जैन साधक है साधक जनों, सत्य बोलने वाला है साधक है, ये हर एक की वश की बात नहीं है। प्रेम करना हर एक को नहीं आता, आपको आता है, इनको बेचारों को पता ही नहीं है प्रेम क्या होता है। ये प्रेम बटोरना जानते हैं, प्रेम देना नहीं जानते, और प्रेम देने की चीज है, मांगने की चीज नहीं है। सुख देने की चीज है, बांटने की चीज है, मांगने की चीज चाहने की चीज नहीं है। इन्हें सुख चाहिए, अतएव ये प्रेम करना नहीं जानते। आप प्रेम करना जानती हैं, आप सुख देना जानती हैं, आप सुख बांटना जानती हैं, इस गुण का आपको देवियों लाभ लेना चाहिए। यदि आपको भी लाभ लेना है तो इन जैसा बनना होगा, दूसरों को सुख देने वाला, दूसरों को प्रेम देने वाला बनना होगा, तो आपको वह प्रेम करने की रीति परमात्मा सिखाएगा। बहुत डरते हुए शब्दों में कहा ठाकुर ने, क्या तेरे अंदर शिशुवत की बुद्धिमत्ता नहीं? उस नंदे बालक को, उस नवजात शिशु को रोना कौन सिखाता है? उस नवजात शिशु को प्रेम पूर्वक मां का दूध पीना कौन सिखाता है? क्या तेरे अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं है कि तू जैसे वह शिशु रोता है दूध पीता है, जैसे वह प्यार करता है तो प्यार करना सीख? क्या तेरे अंदर उतना भी प्यार नहीं है? क्या तेरे अंदर उतनी भी बुद्धि नहीं है? बेचारा डांट खा के चुप कर गया होगा। मेरे जैसा होता तो ठाकुर को कहता, ठाकुर तुम ठीक कहते, मेरे अंदर शिशु जैसी भी बुद्धि नहीं है। तू उसको पूछ रहा है ना, मुझे पूछ, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं कहूंगा मेरे अंदर शिशु जैसी बुद्धिमत्ता भी नहीं है, इसलिए मैं परमात्मा को प्यार करता नहीं जानता। परमात्मा साक्षी हूं, प्रेम की भाषा समझता है, प्रेम की बात को समझता है। असमर्थता का संदेश, राम जी मुझे प्यार करना आता, हे मां तेरे अनेक पुत्र, तेरे लिए तो अनेक, मेरे लिए तो तू एक, जो चाहे कर सकती है और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये परमात्मा की सेवा में अपनी असमर्थता का संदेश। कल रखेंगे जारी सार्वजनिक चर्चा को, बहुत सारे संदेश है परमात्मा तक पहुंचाने वाले, सारे तो नहीं दिए जा सकेंगे, ये कदा कल संदेश भेजेंगे परमात्मा के श्री चरणों में। असमर्थ हो रहा, कुछ नहीं कर सकते, बेबस है,
परमात्मा सब कुछ कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। अपनी असमर्थता का संदेश परमात्मा के श्री चरणों में लिख दीजिए। का असमर्थ, अच्छा लिखना नहीं आता, अच्छा बोलना नहीं आता, प्रेम पूर्वक लिखना नहीं आता, प्रेम की भाषा नहीं आती, ये असमर्थता का संदेश। आज दिन भर लिखिए परमात्मा के नाम पत्र, अपनी असमर्थता का बोध करवाइएगा। मान जाए उसकी मौज, यदि मान जाए कि तो वाकई असमर्थ है तो मैं तुम्हें समर्थ दूंगा, ना मानने तो मेरी तरह रोते रहिएगा, बिल्कुल रहिएगा। एक ना एक दिन जब उसकी मौज होगा सुनने का, तब तक प्रतीक्षा कीजिएगा।